फ्रेंड्स, आपके पास है आइकुआ Z7S, इस फोन में अपने फोटो या वीडियो हाइड करना है तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं। और अगर आप उनको सिक्योर भी करना चाहते हैं तो वो भी इसी वीडियो के अंदर बताएंगे आप कैसे सिक्योर करके इस फोन में रख सकते हैं फोटो एंड वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने ऐप्स को ओपन कीजिए। यहाँ पे इस फोन में आपको देखने मिलता है गूगल फाइल, ये सर्च करके कर लेना है आपको ओपन। इसको ओपन करते यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ देखने मिल जाता है सेव फोल्डर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, आप इसको दो तरह से सिक्योर कर सकते हैं, पिन लॉक के जरिए और पैटर्न लॉक के जरिए। आप इसको किस तरह से सिक्योर करना चाहते हैं उस पर पहले क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना प्राइवेसी वगैरह सेट कर लीजिए। तो आपका प्राइवेसी जो भी आपने सेट किया है उसको डालेंगे तब भी आप यहाँ पे कुछ चीज को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो आपका प्राइवेसी सेफ बन जाता है। अगर आप फोटो को हाइड करना चाहते हैं तो इमेजेस पर आपको क्लिक करना होगा। फोन के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सभी फोल्डर आपके सामने अवेलेबल होंगे। अब आपको उस फोल्डर में चले जाना है जिसमें से फोटो को आप हाइड करना चाहते हो। अब मान लीजिए, आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि ये फोटो हाइड करना है तो इसके ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखिए। इसके अलावा अब आप ये भी हाइड करना चाहते हो तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पर जाना होगा, आपको मूव टू सेव फोल्डर देखने को मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं आपका प्राइवेसी पासवर्ड आएगा, जब भी आप इसको डालेंगे नेक्स्ट करेंगे आपका फोटो ये हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आप वीडियो को भी हाइड कर सकते हैं, जिसके आपको बैक आना होगा, वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपकी सभी वीडियो देखने को मिलेंगे सेम उसी तरीके से उसी फोल्डर के अंदर, तो उस वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप हाइड करना चाहते हैं। इसके बाद 3 डॉट पर जाइए, मूव टू सेव फोल्डर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना प्राइवेसी को डाल दीजिए, आपकी ये वीडियो भी हाइड हो जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप किसी ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इनको एक्सेस करने के लिए आपको सेव फोल्डर में जाना होगा, जो प्राइवेसी लॉक बनाया था वो डालना होगा, आपको एक्सेस करने को ये मिल जाएंगे, देख पाएंगे आप इनको। अगर आप अनहाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए तो जहां से उठाया था आपने ये वीडियो वहीं वापस ही चला जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस फोन में अपने फोटो और वीडियो को आप हाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा।